हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो सब लोग आप? राधे राधे सबको, राधे राधे मित्रों सबको, राधे राधे। और अच्छे हो आप लोग? चलो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक बार अपने साथियों को भी शेयर करके जोड़ने का प्रयास करें। आज अपन डिस्कस करेंगे कि आरएस जो प्री है वो कब होगी, वैकेंसी कब आएंगी, उसकी क्या उसका पैटर्न रहता है, कितने उसमें पेपर होते हैं, क्या क्या उसका सिलेबस है, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी आपके साथीगण हैं उनको एक बार आप शेयर कर दें। इनकी चर्चा करेंगे अपन, जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करते हैं जिनका टारगेट 2021 है। तो दोस्तों उनके लिए एक खास यह है कि एक नया बैच अभी शुरू किया है अनअकैडमी प्लस पर। ये 3:30 बजे से चल रही क्लास, दो क्लास इसमें निकल चुकी हैं। ये 8 तारीख से शुरू हुआ है, पहली क्लास 8 तारीख को थी। तो दोस्तों जो विद्यार्थी जिनका टारगेट आरएस 2021 है तो वो जुड़ सकते हैं आरएस के लिए। और बात करें अपन आरएस की, तो आरएस में मित्रों आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, सब बच्चे जानते हैं। दो एग्ज़ाम इसके कंडक्ट होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो देते हैं उनको पता ही होगा कितने एग्ज़ाम होते हैं। जो पहली बार इसकी तैयारी करना चाहते हैं जुड़ के, एक प्री का एग्ज़ाम होता है। प्री केवल आपको पास करना होता है, प्री केवल आपको क्या करना होता है, पास। और मार्क्स आपके जो जुड़ते हैं वो मेंस के ही जुड़ते हैं। मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं। मेंस में जो आपका टोटल पेपर होता है, टोटल 4 पेपर होते हैं। और 4 पेपर जो हैं, इन 4 पेपरों में आपके लगभग भाई साहब 18 से 19 सब्जेक्ट समाहित हैं। 18 से 19 सब्जेक्ट क्या हैं इसमें समाये हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। प्री पास करना होता है। आरएस जो प्री होती है इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, जैसे आपका करंट अफेयर्स आता है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल आती है, इकोनॉमिक्स आती है, जनरल साइंस आती है, कुछ साइंस टैग के क्वेश्चन आते हैं, एक इसमें मैथ आती है और एक प्री में रीजनिंग आती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी प्री का सिलेबस है। ये प्री में इस प्रकार का आपका ये पार्ट बता हुआ है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। अब देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो ये सब एग्ज़ाम में आती है। और मैथ और रीजनिंग भी आजकल है ना कंपलसरी सी हो गई, ये सब एग्ज़ामों में ये भी आती है। चाहे आप राजस्थान में किसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, पटवारी की करो, पुलिस की करो, ग्राम सेवक की करो, जूनियर अकाउंटेंट की करो, सब इंस्पेक्टर की करो, किसी भी एग्ज़ाम की करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये पेपर जो आपका फर्स्ट है प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। इसमें दोस्तों अगर कोई आदमी ढंग से डिटेल से तैयारी करता है, आरएस की तैयारी अगर सिस्टमेटिक तरीके से हो, ढंग से हो, तो आप ये मान के चलो दुनिया का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आपसे पास नहीं हो। जैसे सपोज करो आपने आरएस की तैयारी की और आपने कोई छोटा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया, तो सेम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम दिया, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया, उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक तो फुल डिटेल में कोर्स होता है, ये कोर्स आपका फुल डिटेल में होता है, पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडी करने से आपके छोटे एग्ज़ाम यूँ ही क्लियर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो इस मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको ये 4 पेपरों में क्या क्या बटा हुआ है, जैसे हिस्ट्री बटी हुई है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जर्नल साइंस है, साइंस टेक है, फिर इसके अलावा करंट अफेयर्स है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, IR है, फिर इसके अलावा आपका साइकोलॉजी का पार्ट आता है जिसको व्यवहार बोलते हैं, अकाउंट्स वाला पार्ट्स आता है इसमें, विधि कानून का पार्ट आता है, विधि आता है इसमें,
नीति शास्त्र एथिक्स आती है, नीति शास्त्र एथिक्स आता है, कुछ इसमें लोक प्रशासन का पार्ट आता है, लोक प्रशासन का पार्ट आता है, और इसमें आपके एक हिंदी आती है, एक अंग्रेजी का पेपर होगा, हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, समझ में आना। तो इस प्रकार से आप देखो कितने पार्ट हैं इसमें। तेरह, चौदह, पंद्रह, यानी कि 18-20 पार्ट इसमें छोटे मोटे और भी है ना, जैसे करंट अफेयर्स मैंने नहीं लिखा इसमें, हाँ करंट अफेयर्स मैंने लिखा, तो ये सारे पार्ट है ना, विधि, व्यवहार, लो, सोशोलॉजी आती है इसमें, सोशियो आती है, सोशोलॉजी का भी इसमें पार्ट आता है, समाजशास्त्र का पार्ट भी आता है। तो इसमें सब कुछ को आपको, इन सब को चार पेपरों में बांट दिया, ये मेंस की बात कर रहा हूँ, इन सब को चार पेपरों में, ये इतना हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, IR, और आपके साइकोलॉजी, अकाउंट्स, विधि, लो, एथिक्स, पबेड में लोक प्रशासन हो गया, हिंदी, अंग्रेजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इन सबको इन चार पेपरों में बांट दिया। तो चारों पेपर हो गए GK GS के, और जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपके मैथ, यानी कि प्री वाला एग्जाम है, इसमें मैथ और रीजनिंग है। इसके बाद में क्वालिफाई होने के बाद में, जैसे आप ये क्वालिफाई हो जाओगे तो एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, और इसमें इंटरव्यू के बाद में है ना, अगर आप सफल होते हो तो आपकी जॉब लगती है, नहीं होती है तो दोबारा प्रयास करो। अब इसमें क्या होता है, एक तो होती है स्टेट सर्विस, एक आपके प्रॉपर एक स्टेट सर्विस होती है, एक एलाइड की सर्विस होती है, समझ में आया ना। तो अब ये कैटेगरी बटी हुई है, प्रॉपर में कौन कौन सी हैं, स्टेट सर्विस में कौन कौन सी हैं, एलाइड में कौन कौन सी सेवाएँ आती हैं इसमें। तो दोस्तों, यदि आपने एक सपना ऐसा सजोया है कि मुझे RS की तैयारी करनी है, तो देखो RS की जो बंदा तैयारी करता है ना, पहली बात तो एक तो इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। अब RS की तैयारी करने वाला व्यक्ति जो होगा, जो विस्तृत पाठ्यक्रम को अगर पढ़ेगा, तो अगर वो इससे नीचे के जो भी एग्ज़ाम देगा, इसके नीचे के RS से संबंधित कोई भी अगर वो एग्ज़ाम देता है, तो वो एग्ज़ाम इस विस्तृत पाठ्यक्रम से पूरे के पूरे आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। पहला फ़ायदा है आपको, आपको डर लगता है कि साहब RS, अरे भाई साहब हम तो पटवार की तैयारी कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। अरे तो भैया इसमें डिटेल आती है, फुल डिटेल से, और डिटेल स्टडी में जो क्वेश्चन, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की बात कर लो, आजकल फुल डिटेल स्टडी में करने पे जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे, कैसे भी पूछे, वो क्वेश्चन कवर होते हैं। तो एक तो विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, एग्जाम आपके छोटे मोटे एग्जाम कवर हो जाते हैं, ठीक है। और देखो इस RS की तैयारी करने के लिए आप किसी भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी आप कोचिंग में चले जाओ, कोई सी भी आप कोचिंग में जाओगे, तो एक साल की, दो साल की फीस आपकी जो होगी ना, वो फीस कितनी होती है, 60,000, 1,00,000 रुपये होती है। और हमारे यहाँ पे अन अकेडमी ने RS का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है, जिसमें 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल का कोर्स है मित्रों, और इस 2 साल की फीस मात्र, 2 साल की फीस मात्र 8,000 से 10,000 रुपये है, 8,000 से 10,000 रुपये है 2 साल की फीस। और इस 8,000 से 10,000 रुपये में भी आपको 10% ऑफ मिल रहा है। 10% क्या दिया जा रहा है, ऑफ दिया जा रहा है, 10% ऑफ है, यानी कि अगर 8,000 है तो 7,200 रुपये लगेंगे, 10,000 है तो 9,000 रुपये लगेंगे, 10% आपको इसमें भी क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। अब इसको लिए, छूट के लिए क्या प्रावधान है, छूट के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना होगा Rajendra10, अब जो RS की तैयारी करने वाले हैं और जिनका टारगेट 2021 है, जो RS की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2021 है, और आपको किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदने में कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है कि सर कोर्स कैसे खरीदे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उसको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद में उसको ओपन करके सेलेक्ट टू योर गोल में RPSC भरना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जितने महीने का कोर्स लेना है उस पर क्लिक करना है और पेमेंट कर देना है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इस नंबर पर,
इस नंबर पर आप मेरे से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल की जानकारी दे दूंगा किस प्रकार से आपको परचेज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट चलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कैसे कैसे आपको तैयारी करवाई जाएगी, कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, कब टेस्ट लिए जाएंगे, उन सब की मैं पूरी कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखो दोस्तों, अगर आप जैसे आपका प्री की अगर मैं बात करूँ तो प्री अगर आपने 3 से 4 माह अगर सिस्टमेटिक तरीके से सिंसियर होके पढ़ाई कर ली, 3 से 4 माह यदि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, 3 से 4 माह अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और तो 100% आपका प्री क्या होता है, पास होता है। 3 से 4 माह की अगर मैं बात करूं, अगर आप नियमित रूप से रोज 7 घंटे पढ़ाई करते हैं, यानि कि 1 day 7 hours पढ़ाई करते हैं ना, तो यानी कि आपने एक दिन में कितनी पढ़ाई की, 7 घंटे की पढ़ाई की, तो 30 दिन में आपने कितनी पढ़ाई कर ली, 7 या 21, 210 घंटे आप घर बैठ के पढ़ाई कर चुके हैं। और यदि आप, मैं 3 से 4 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और अपन बात कर रहे हैं 3 से 4 महीने की, यानी कि 90 से 120 दिन, 90 से 120 मल्टीप्लाई 7 करो, आपने कितने घंटे पढ़ लिया। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, कितने घंटे आपने पढ़ लिया है, मोटी मोटी देख लो आप। आठ सौ चालीस घंटे आपने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब मैं पाठ्यक्रम बता देता हूँ प्री का कितने घंटों में पूरा होता है। जैसे सपोज करो राजस्थान की ज्योग्राफी प्लस राजस्थान प्लस इंडिया, एक एक का मैं आपको घंटे बता देता हूँ, इंडिया प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक्सिमम देखो सब बहुत डिटेल से पढ़ो तो ये जैसे 70 आवर्स की मान लो, इंडियन ज्योग्राफी आपकी 40 आवर्स की मान लो, ये आप 40 आवर्स की मान लो, ठीक है, तो इसमें इस इंडिया का आधा पार्ट तो इधर ही कवर हो जाएगा, तो कितने घंटे हो गए, 140 घंटे। 140 आवर्स में बहुत ज़्यादा बता के मैंने आपको, 40 आवर्स में आप इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप हिस्ट्री के 3 पार्ट है हिस्ट्री, तो जैसे राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, अगर मैं इनकी बात करूं तो 150 आवर, 150 आवर में आप प्री के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, इनको बहुत अच्छा कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो आप इनको। उसके बाद में अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन की पोलिटी की बात करूं, तो मित्रों बेस्ट से बेस्ट आपको 50 आवर्स में इसको बहुत, 50 घंटों में आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं अगर बात करूं जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस को आप 100 आवर्स में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 100 आवर्स में इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। यदि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स करंट बेस आता है, पूरा करंट बेस इकोनॉमिक्स आता है, तो आप इसको 50 घंटों में बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं, 50 घंटों में तैयार कर सकते हैं। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो एग्जाम से 15 दिन पहले अगर आप पढ़ते हो, 15 दिन पहले अगर करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हो और पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हो और 7 घंटे पढ़ते हो, तो 15 × 7 कर लो आप, इतने घंटों में आप अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो। तो आप ये आवर्स जोड़ लो, कितने आवर्स देखो इधर मैंने बनाए और कितने आवर्स यहाँ पे आप टाइम मैनेज कर रहे हो, ये टाइम मैनेज करने का तरीका है। इसके अलावा अब देखो मैथ और प्लस रीजनिंग, जिन बच्चों की अच्छी है वो इसको पढ़े, और आर्ट्स वाले बच्चे जिनकी अच्छी नहीं है इसको ड्रॉप मार दो, प्री में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आर एस प्री पास करना है तो आप राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटिकल पढ़ लो, जनरल साइंस पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, आराम से इजी गोइंग आर एस प्री पास हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि कोई बंदा 3 से 4 महीने भी सिंसियर होके पढ़ाई करता है तो आर एस प्री तो यूं ही पास हो जाएगा। अब तुम देख लो मैंने 840 घंटे बनाए हैं यहाँ पे, और टाइम मैनेज आपके सामने किया है,
इस मैनेज करके इस तरीके से सब्जेक्ट को दोगे तो 100% आपका आर एस पूरी पास हो जाएगा। अब मित्रों इसके लिए देखो घर बैठ के प्लानिंग नहीं बनती है, तुम सोचो कि दीवार पे चिपका ले, आपको इसके लिए नियमितता चाहिए, इसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए। और ये नियमितता कब बनती है आपकी, नियमितता कब बनती है आपकी, ये नियमितता बनेगी आप एक बार हमारे साथ जुड़े। इसके लिए हमारे साथ जुड़े, आप नियमित रूप से क्लास अटेंड करें, ठीक है ना यार। एक तो कोचिंग से मतलब ये मान के चलो 1/4 फीस है, कोचिंग से 1/4 क्या 1/6 फीस है, यहाँ की 1/6 फीस है कोचिंग से। तो एक बार हमारे साथ जुड़े आप और जुड़ के क्लासे लो। डेमो अगर आपको लेना है, जैसे कोचिंग में आप डेमो लेने जाते हो तो आप डेमो भी ले सकते हो, यहाँ पे डेमो की भी फैसिलिटीज मिली है। आप यहाँ पे फ्री डेमो भी अवेलेबल है, यहाँ पे फ्री डेमो भी अवेलेबल है, फ्री डेमो भी लेकर आप चेक कर सकते हो कि कैसा पढ़ाया जाता है। तो फ्री डेमो के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप करना, उसमें डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल करके ओपन करना, सेलेक्ट यूर गोल में आरपीएससी डालना, सेलेक्ट यूर गोल में आरपीएस डालने के बाद में एक सर्च का ऑप्शन आएगा, आपको मेरा नाम सर्च करना है, वहाँ पे राजेंद्र शर्मा, मेरा नाम सर्च करना है राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा मेरा नाम आपको सर्च करना है, समझ में आए ना। और सर्च करके जो मेरी प्रोफाइल है उसको फॉलो करना है, उस प्रोफाइल को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद में आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। फ्री क्लासेज में आरएस के जो मैंने वीडियो पढ़ा रखे हैं, जो क्लासे पढ़ा रखी हैं, वो क्लासे आपको सारी देखने को मिल जाएंगी। टाइटल डला हुआ है आरएस का, तो वहाँ पे आप एक बार डेमो भी लेके देख सकते हैं आराम से। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो ये मैंने आपको मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आरएस के लिए जुड़ो। और दूसरी चीज़, एक ही फीस में सबकी तैयारी होती है, एक ही फीस में यहाँ पे सबकी तैयारी होती है आपकी। यदि आप आरएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे पटवारी की भी कर सकते हैं, पुलिस की भी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, किसी भी एग्जाम की तैयारी एक ही फीस में। यहाँ पे कोचिंग की तरह जो आपको मिलता भी नहीं होगा, यहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे पीडीएफ रूप में, आपको डाउट सेशन होता है, वीकली टेस्ट होता है, सब फैसिलिटीज हैं। तो आप जुड़ो, और भी कोई डाउट आपका हो तो आप मेरे से इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों, विश ऑल द बेस्ट। बाकी की बात अपन बाद में, अगली कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे दोस्तों।